हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश है, महाराष्ट्र जलगांव से। आज मेरे पास में एक सोने का सेट आया है जो कि लगभग 24 इंच का सेट है। उसका एक बार मॉडल नंबर दिखाओ सर जी, उसका मॉडल नंबर दिखाओ। तो मैं आपको इसका मॉडल नंबर दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये इसका मॉडल नंबर है। ठीक है, 24 इंच का सेट है। तो इसका जो फॉल्ट है, ये फॉल्ट मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये मैंने सेट को ऑन किया, ठीक है, एक बार सोनी लिख के आया, और उसके बाद ये तो ये ब्लैंक हो गया, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं आया। अब देखिए यहाँ पे बैकलाइट आपको दिखाई दे रही, लेकिन डिस्प्ले कुछ भी नहीं है। तो एकदम मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है, ठीक है। तो इसका पैनल एक्चुअली ओके है, इसका पैनल सही है, डिस्प्ले ओके है। मैं आपको पैनल की वोल्टेज एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पैनल VCC यहाँ पे लिखा है, क्या हुआ ये देखिए, यहाँ पे तो पैनल VCC लिखा है, यहाँ पे 12 वोल्ट, ये देखिए, ठीक है। तो पैनल VCC प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विजुअल वोल्टेज है इस टेस्ट पॉइंट पे, ये देखिए। तो यहाँ पे -6 वोल्ट, ओके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे विजेज वोल्टेज मेंशन किया है, ठीक है। तो देखिए विजेज वोल्टेज भी 28 वोल्टेज मेरे प्रेजेंट है, मतलब मेरा पैनल ओके है। मैं आपको अभी एकदम इजी फॉल्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे फॉल्ट क्या है, इसका मदरबोर्ड के अंदर ही फॉल्ट है, ठीक है। तो देखिए इस ट्यूनर के पास में एक रेगुलेटर लगा है, ये वाला आपको अगर दिखाई दे रहा है तो, ये देखिए ये रेगुलेटर है। यहाँ पे इसके आउटपुट में 3.3 वोल्ट आना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है, ये देखिए, ठीक है। और इसके इनपुट में देखिए 5 वोल्ट प्रेजेंट है इसके इनपुट में, ठीक है। तो ये देखिए 5 वोल्ट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो 3.3 वोल्ट है, ये वाले, ये इस ट्यूनर का सप्लाई है, ठीक है। 3.3 वोल्ट अगर ये नहीं आएगा तो आपका डिस्प्ले भी नहीं बनेगा। तो मैं आपको यहाँ पे 3.3 वोल्ट देने के बाद मैं आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका डिस्प्ले आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो देखो, देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 3.3 वोल्ट अप्लाई कर दिया है, ठीक है। ये देखिए 3.3 वोल्ट मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। ये देखिए अब मेरा 3.3 वोल्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। मैंने ये कहता हूँ ये 12-35 वाला रेगुलेटर यहाँ पे लगा दिया है। अभी मैं आपको डिस्प्ले दिखा देता हूँ एक बार, मेरा डिस्प्ले बना कि नहीं। इधर इधर ये देखिए मेरा डिस्प्ले आ चुका है। हाँ, अरे ये है ना तुम्हारा लोखंड का रैक, ठीक है। देखो ऊपर नहीं क्या देखना, नो सिग्नल आ गया मेरा। तू नहीं रख ले तेरे हाथ से जब से वही हो, देख तो पूरा है क्या हो, आगे का पैनल के साथ रख लेता ना तूने। हाँ तो उसको बनाने का अपने को, रात को छाड़ा लगे तो मेरी तरफ से। ठीक है, तो आपने देख लिया कि ये मैं आऊंगा ना रात को, तू का रेडी हो चुका है पैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी पिक्चर आ चुकी है, देखा आपने, पकड़ो, एकदम क्लियर पिक्चर आ गई है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसका पैनल ओके है, इसके मदरबोर्ड के अंदर ही
फॉल्ट है, ठीक है। तो बहुत इजी तरह से हमने इसका फॉल्ट है तो फाइंड किया और इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे ट्यूनर के पास में जो रेगुलेटर हमारा लगा था वो 3.3 वोल्ट मिसिंग था, ठीक है। काफ़ी निकाल के पता चल चुका और ये मैंने 12-35-16 मॉड्यूल इसके अंदर इंस्टॉल किया है, ठीक है। संध्या टीवी चालू कर। हाँ तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो ओके थैंक यू।